जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट आंखों की रोशनी को तेज़ करने वाला नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शबाना इज़ किचन। जिन लोगों की आई साइट बहुत कमज़ोर है, ये जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं और देर रात तक फ़ोन चलाते हैं, या जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनके लिए, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके चश्मा लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही बेस्ट नुस्खा है ये। आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी नज़र के साथ साथ सेहत भी अच्छी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस नुस्खे को बनाना। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस तरह से हैं। 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम बड़ी हड़, 50 ग्राम दखनी मिर्च, इनको वाइट पेपर भी कहते हैं, 50 ग्राम बादाम और 200 ग्राम धागे वाली मिश्री। देखिए इस तरह से होती है ये जुड़ी हुई आपस में। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर लेंगे और उसके अंदर बड़ी हर डालकर उसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे और उसकी गुठली निकाल कर इसका पाउडर बना लेंगे। हमारे पास 50 ग्राम हड़ में से 20 ग्राम पाउडर तैयार होगा। हड़ आँखों की रोशनी के लिए और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शतावरी को ग्राइंड करेंगे और छान कर मोटा पार्ट अलग करेंगे। आयुर्वेद में शतावरी को बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी के रूप में बताया गया है। बहुत सी बीमारियों को रोकथाम और इलाज में शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आँखों से जुड़ी परेशानी से निजात दिलाने में के साथ साथ रतौंधी में भी काफ़ी आराम दिलाता है और नज़र को तेज़ करता है। ग्राइंड करने और छानने के बाद इसके अंदर टोटल 30 ग्राम पाउडर तैयार हुआ है। अब हम आंवले को ग्राइंड कर इसका पाउडर बनाएंगे। आंवला नज़र की कमज़ोरी को दूर कर रोशनी को बढ़ाता है। पेट की पुरानी बीमारी, खून की कमी, मोतियाबिंद, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी में आँखों के दर्द में काफ़ी फ़ायदा करता है। इसको छान कर इसका मोटा पार्ट अलग कर लेंगे। अब हम दखनी मिर्च का पाउडर बनाएंगे। पुराने ज़माने से नज़र में सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है और नज़र को तेज़ करने के साथ साथ आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बेहद मददगार है। मोतियाबिंद में ये दखनी मिर्च बहुत प्रभावी है। अब हम सौंफ का पाउडर बनाएंगे। सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बेहतर होती है, आँखों की कमज़ोरी को दूर करता है, नज़र को तेज़ करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है। और अब हम ग्राइंडर में बादाम को पीस कर इसका पाउडर बनाएंगे। बादाम आँखों की रोशनी को बढ़ाने और आँखों की थकन को दूर करने के साथ साथ दिमाग को तेज़ करता है, भूख को बढ़ाता है। और अब हम मिश्री का पाउडर बनाएंगे। मिश्री आँखों को फायदे करने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज़ करता है और आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। इसका हमने बारीक पाउडर बना लिया है। मिश्री की तादाद हमने 200 ग्राम यहाँ पर इसलिए ली है कि ये शतावरी, आंवला और बड़ी हड़ के हल्के कड़वाहट को बैलेंस करेगा, जिससे हमारे बच्चे आसानी से इसको खा पाएंगे। सबको एक साथ मिक्स करने के बाद इसको दोबारा छान लेंगे और इस तरह से बारीक पाउडर हमारा तैयार हो गया है। और जो मोटा दरदरा पार्ट है उसको दोबारा आप ग्राइंड करके एक बार फिर इसको बारीक पाउडर बना लें और हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखेंगे। आप फैमिली के सारे मेंबर्स को इसको दे सकते हैं नाइट में दूध के साथ। हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट पेशेंट्स, जो दिल के मरीज़ हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लें फिर इन चीज़ों को यूज़ करें। वैसे तो सभी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, ओवरऑल तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फिर भी उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके आँखों की रोशनी को बढ़ाएगा।
10 साल से ऊपर के बच्चों को आप इसको यूज़ कराएं और उनको हाफ टी स्पून गुनगुने दूध के साथ दें, और बड़े लोगों को आप 1 टीस्पून रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले आप इसको दूध के साथ बच्चों और बड़ों को दें। 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। अगर आप इसको रेगुलर अपनी डाइट में 2 से 3 महीने इंक्लूड करेंगे तो आपको आपकी नज़र के अंदर काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। आई होप आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये नज़र का नुस्खा कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।